हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आंत यानी इंटेस्टाइन में चाहे बड़ी आंत हो या छोटी आंत हो, यदि आपको आंत में इन्फेक्शन होने की समस्या होती है तो उसे जल्दी ठीक करने के घरेलू उपाय और परहेज क्या होते हैं, खासकर जब आपको बार बार पेट खराब होने की या आंत में इन्फेक्शन होने की शिकायत हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों आंत में इन्फेक्शन होना तब होता है जब आप दूषित भोजन या पीने की चीज़ का सेवन करते हैं, जिससे आपके पेट की आंत के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पेट के कीड़े आपकी आंत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन की समस्या होती है। आंत में जब इन्फेक्शन हो जाती है तब आपको कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में तेज दर्द होना, मरोड़ आना, जी मिचलाना, दस्त की शिकायत होना या कब्ज हो जाना, कुछ भी खाने का मन ना करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाना, सर में दर्द रहना, मानसिक तनाव रहना, स्किन पर लाल चकते बन जाना। ऐसे में यदि आंत की इन्फेक्शन में परहेज ना रखे जाएं, घरेलू उपाय ना किए जाएं, तो आगे चलकर समस्या गंभीर भी बन सकती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि अपनी दवा के साथ साथ आप कुछ घरेलू उपाय और परहेज अपनाएं, ताकि आंत की इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो और यदि बार बार आपको ये प्रॉब्लम होती है तो वो ना हो फिर से। दोस्तों गर्मी का मौसम या बरसात का मौसम होता है और यदि आपको आंत से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे आंत में इन्फेक्शन, तो आपको घर के बाहर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आंत में इन्फेक्शन होने पर आपको साफ सुथरा घरेलू खाना ही खाना चाहिए और पानी को अच्छे से उबालकर ही पीना चाहिए। आंत में इन्फेक्शन होने पर कभी भी आपको जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड या ज़्यादा मिर्च मसालेदार भोज्य पदार्थों से परहेज करना होता है। इसके अलावा यदि आप शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जर्दा खाते हैं, तो उससे भी आपको परहेज रखना होगा। घर में सब्जियां बनाने से पहले अच्छी तरह से उन्हें साफ कीजिए पानी के साथ और बॉईल करने के बाद ही उनको बनाइए। घर में भोजन बनाते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों आंत में इन्फेक्शन होती है तो अल्सर होने का खतरा भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में प्रोबायोटिक युक्त फूड खाना या चीज़ों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। प्रोबायोटिक फूड का सबसे अच्छा उदाहरण होता है दही का सेवन करना। आपको घर में बना हुआ ताज़ा दही खाना है, इससे आपके पेट की इन्फेक्शन और अल्सर की समस्या जो है वो दूर होने लगेगी। आपको कम से कम 2-3 बार दिन में 2-3 कटोरी दही ज़रूर खाना चाहिए। दही में ज़ीरा, सेंधा नमक आप मिला सकते हैं या दही को छाछ बनाकर भी पी सकते हैं, जीरा काला नमक मिलाकर। दोस्तों आपके रसोई में साधारण से दिखने वाले लहसुन के अंदर बहुत ही अच्छे प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं। यदि आप रोजाना सुबह खाली पेट 3-4 पालियां लहसुन की खाते हैं तो इससे आपके पेट के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन की समस्या है वो दूर होने लगेगी। अदरक को 1 कप पानी के साथ उबालने के बाद जो पानी बचता है, यदि आप वो पीते हैं तो इससे आंत की इन्फेक्शन तो दूर होगी, साथ ही आपका पेट जो है शांत हो जाएगा। आपको पेट दर्द, पेट में मरोड़ आना आदि लक्षणों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों आंत में इन्फेक्शन होने पर रोजाना आपको 3-4 केले खाने की सलाह दी जाती है। केला आंत की सुरक्षात्मक परत को बल प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, आंत की इन्फेक्शन को जल्दी ठीक करने में मदद करता है और एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। दोस्तों पेट में यदि या आंत में इन्फेक्शन की समस्या है तो आपको लिक्विड डाइट पर कुछ दिन रहना चाहिए, 2-3 दिन। उसमें आप दलिये का सेवन कर सकते हैं दही के साथ। चाय के स्थान पर आपको अदरक का पानी पीना चाहिए या अदरक की चाय पीनी चाहिए। दही और छाछ का सेवन भरपूर करना चाहिए। आपको मीठी छाछ या मीठे दही का सेवन नहीं करना है, मीठे की मात्रा कम से कम रखिए। रोजाना 2-3 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी आंत की सफाई अच्छे से हो पाए और आपकी आंत की इन्फेक्शन जल्दी दूर हो सके। कुल मिलाकर यदि आप ये सभी उपाय करते हैं अपने इलाज के साथ, दवाई के साथ, तो आपको बार बार आंत में इन्फेक्शन होने की समस्या नहीं होगी। और यदि दवा लेने के साथ आपकी समस्या 7 दिनों में ठीक होती है, वो 3-4 दिन में ही ठीक हो जाएगी। वैसे इससे कम समय भी लग सकता है।
दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे कि आपको चाय के स्थान पर जैसे आप जिंजर टी या अदरक की चाय पीते हैं के साथ यदि आप कैमोमाइल टी भी पीते हैं तो आपको पेट या आंत में दर्द की समस्या, मरोड़ की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।